जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को ज्ञान के पाठ पढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना रोहतास जिले में भयावह बनता जा रहा है। रोहतास जिले में बढ़ रहे कोरोना की संख्या में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ ऐसी ही लापरवाही गुरुवार को भी देखने को मिला, जब रोहतास जिला में कोरोना से दो लोगों की मृत्यु के बाद दोनों शवों को जलाने में काफी लापरवाही देखी गई। बता दें कि दोनों कोरोना संक्रमित शव को बौलिया रोड स्थित कठौतिया कस्बे घाट में जलाया जा रहा था। इस दौरान शव के ऊपर लपेटे गए पीपीई किट को कस्बा घाटी में जहां तहां फेंक दिया गया। इसको लेकर आसपास के लोगों ने नाराजगी जताई। गुस्साए लोगों ने वहां पहुंचकर शव को जलाने से मना किया। वहां मौजूद आसपास के लोगों ने बताया कि कस्बा घाट के आसपास डेड बॉडी में लपेटा गया जो भी प्लास्टिक या पीपीई किट था सभी को जहां तहां फेंक दिया गया था। उसके बाद शव को जलाया जा रहा था। लोगों को इसकी भनक मिलते ही तुरंत वहां पहुंचकर शव को वहां जलाने के लिए मना किया। इसको लेकर दो घंटे तक स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस में कितने शव रखे गए थे इसकी जानकारी नहीं हो पाई, परंतु दो शव को जलते हुए देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने शव को वहां नहीं जलाने दिया। साथ ही साथ शव जलाने आए लोगों से इधर उधर फेंके गए पीपीई किट सहित शव में लपेटे अन्य प्लास्टिक को वहां से उठाया गया।